Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we will going to begin our next lecture on CUSAT 2021 paper, जिसमें कि हम previous year question discuss करते आ रहे हैं. हमारे चार lecture already हो चुके हैं और हमारे regular classes भी शुरू हो चुके हैं. तो आप में से कोई भी अगर join करना चाहता है तो you can definitely join our classes, जहाँ पे आपको again detail syllabus और बाकी चीजों पे अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी. ठीक है, तो आप जो इन्वायरमेंटल साइंस स्ट्रीम का हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है उसमें हमने पेपर फर्स्ट को डिस्कशन किया है, जिसमें कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन होते थे, जिसमें कि मैथ्स आता था या नॉर्मल क्वेश्चंस आते थे रिलेटेड टू जीके. बट अब हम चलने वाले हैं हमारे पार्ट बी, जो कि हमारा इन्वायरमेंटल साइंस सेक्शन है, जो कि हम आज के लेक्चर में शुरू करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. So, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ये प्रश्न उसने पूछा. ठीक है, तो इनमें से कौन सा डिजीज है जो कि ड्रिंकिंग वाटर के कंटामिनेशन से नहीं होता है, इसने ये क्वेश्चन पूछा है. ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डर्माटाइटिस. ठीक है, डर्माटाइटिस जो है इसका आंसर है. तो इसका आंसर डर्माटाइटिस क्यों है, बाकी क्यों नहीं है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है. तो यू शुड नो व्हाट टाइप ऑफ डिजीजेस आर प्रेजेंट इन आवर व्हाट एनवायरमेंट. ओके, सो द फर्स्ट वन इज द ब्लू बेबी सिंड्रोम. यहाँ पे उसने बोला कि ये ब्लू बेबी सिंड्रोम. तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या है, देखो. तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या बताता है, ये ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फेंट मिथाइमोग्लोबिनेमिया. ठीक है, मिथाइमोग्लोबिनेमिया इन्फेंट में ये होता है, मतलब छोटे बच्चों में ये होता है. इट इज ए कंडीशन वेयर ए बेबी स्किन टर्न्स ब्लू. यहां देखो यही है, ब्लू बेबी सिंड्रोम. ठीक है, यहां पे तुमको क्या दिख रहा है, ये जो इसका जो चेहरा है वो ब्लू ब्लू हो जा रहा है. तो ब्लू ब्लू होने की वजह से क्या हो रहा है कि इस पे चेहरे पे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है. ओके, सो ये क्यों होता है, दिस हैपेंस व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. ब्लड में अगर O2 की कमी हो जाए, ठीक है, डिक्रीज इन O2 हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसका जो शरीर है वो नीला पड़ जाएगा. ठीक है, फिर क्या होता है कि इन्फेंट हु ड्रिंक्स वाटर With high levels of nitrate, देखो यहाँ पे फिर बोला कि जो ज्यादा amount of nitrate वाले water को पीता है और eats food made with the nitrate contaminated water, ठीक है, may develop a serious health condition due to lack of oxygen. आया समझ में? तो इनके body में जो nitrate वाले contaminated water को ज्यादा पीते हैं, ठीक है, तो उनके body में क्या होता है, उनके body में तुम्हारा हाई लेवल ऑफ क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी दिखता है. किनके बॉडी में, जो कि हमारा नाइट्रेट वाला वाटर पीते हैं. समझ में आया? आप पूछोगे सर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, भाई नाइट्रेट का फॉर्मूला तो याद रखो, ये भी बता दूंगा तो हो गया खत्म, NO3-. ठीक है, ये चीज याद है. तो इसका कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर से ये हो रहा है. तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इज नॉट एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट इज हैपनिंग थ्रू कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. कंफर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है कि फ्लोरोसिस. देखो फ्लोरोसिस क्या होता है, द कंडीशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन पीपल. फ्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्लोराइड. ठीक है, डेफिनेटली फ्लोराइड का इंटेक होगा तभी फ्लोरोसिस वाला टर्म यूज किया जाएगा. तो फ्लोरोसिस का नेगेटिव इंपैक्ट अगर देखा जाए तो वो करता क्या है, देखो ये क्या करता है, तुम्हारे दांतों को व्हाइटनिंग कर देगा. देखो कलर जो क्या बोल रहे, व्हाइटनिंग भी नहीं, उसपे ये इस तरीके के तुम्हारे क्या होंगे, इस तरीके के तुम्हारे यहाँ पे डार्केनिंग होगा. देखो ये कैसा हो रहा है, डार्केनिंग हो जा रहा है, डार्केनिंग और ब्राउनिश हो जा रहा है, ब्राउनिश और डार्किनिंग हो जा रहा है. ओके, क्या टीथ्स का डार्किनिंग एंड ब्राउनिश हो जा रहा है. ठीक है, तो ये क्यों होता है,
ये तुम्हारा फ्लोराइड का इंटेक के वजह से होता है। तो क्रोनिक फ्लोरोसिस इज ए वाइड स्प्रेड डिजीज, बहुत ज्यादा स्प्रेडेड जो डिजीज है वो है तुम्हारा क्रोनिक फ्लोरोसिस। आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस बताने की जरूरत है इसलिए मैं तुमको हर पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, फिर आता है क्या है कि कॉलिक डिसेंट्रीज। ठीक है, तो इसमें कॉलिक क्या होता है कि कॉलिक मीन्स एन इनएबिलिटी टू पास स्टूल और गैस, वोमिटिंग, नोसिया, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब चीजें कॉलिक में दिखता है। ठीक है, स्टूल मतलब क्या है कि आपका जो सुबह सुबह जाते हो ना वो निकालने में अगर दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इनएबिलिटी टू पास दी स्टूल, ठीक है, आपका एक्सक्रिएटा निकालने में आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो वो कॉलिक में माना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, डिसेंट्री भी वही बात बोल रहा है कि डिसेंट्री इज ए सीरियस डिजीज विच कॉजेस यू टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी वेरी ऑफन इन ए लिक्विड फॉर्म। समझ रहा है? तो लिक्विड फॉर्म में आपका जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रिएटा बोला जाए, उसको निकालने में अगर बहुत दिक्कत हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, ये डिसेंट्री सीरियस डिजीज है विच कॉजेस यू टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी ऑफन इन ए लिक्विड फॉर्म। मतलब क्या है कि डिसेंट्री होने से क्या होता है कि आपका जो एक्सक्रिएटा है वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है इंस्टेड ऑफ ए सॉलिड फॉर्म। ठीक है, इतना तो यार, अब इसमें अभी बोलने वाली बात क्या है, आप लोग शर्माओगे कि सर ये क्या बोल रहे हो। ठीक है, बट इट शुड बी लाइक दैट कि आप डिजीज पढ़ रहे हो तो आपको इस चीज के बारे में जरूर आइडिया होना चाहिए। देखो डिजीज पढ़ रहे हो तो एक डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से समझो उसको हमेशा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि डायरिया हो गया है बंदे को। ठीक है, एंड टू लूज ब्लड, ब्लड भी निकलता है उसमें। स्विमिंग इन ए कंटामिनेटेड वाटर कैन कॉज कॉलिक डिसेंट्री, मतलब अगर गंदे पानी में आप डुबकी लगा के बहुत समय तक रह रहे हो तो आपको ये कॉलिक डिसेंट्री होने के भी चांसेस है, डायरिया होने की चांसेस है। ठीक है, फिर आता है जो कि हमारा आंसर है, दैट इज डर्माटाइटिस। ठीक है, तो डर्माटाइटिस में क्या हो रहा है कि इट इज ए जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब ए कॉमन स्किन इरिटेशन, स्किन इरिटेशन की वजह से ये होता है। ओके, इट हैपेंस व्हेन योर स्किन रिएक्ट्स टू ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, ए पर्टिकुलर सब्सटेंस में अगर तुम्हारा स्किन रिएक्ट करता है तो ये होता है। यहाँ पे देखो यार, ये देखो कॉलिक डिसेंट्री वाला आदमी है, उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, कैसे रो रहा है यार। इट इज वेरी पैथेटिक कंडीशन, बचपन में सबको हुआ है, इट इज वेरी 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 पैथेटिक कंडीशन। ठीक है, और ये भाई एलर्जिक, उफ, दिस इज ए काइंड ऑफ एलर्जिक, दिस कुड बी इरिटेंट और मे बी एलर्जेंस। ठीक है, तो इस तरीके के जो घाव है ना ये हमेशा दिखते हैं हमारे शरीर में, ये ड्यू टू एलर्जी होता है। देखो कोई कोई एलर्जी मतलब डस्ट की एलर्जी हो या जर्म्स की एलर्जी हो, ठीक है, एलर्जी हो एक तरीके से, इस तरीके का ना लाल लाल स्पॉट हमारे बॉडी में आने लगते हैं जो कि डर्माटाइटिस का एग्जाम्पल है। तो ये जो है ये तो एक तरीके से एलर्जी है, ये इरिटेंट है, हवा से हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर की कोई जरूरत नहीं है। तो दैट्स व्हाई आवर आंसर वाज द डर्माटाइटिस इंस्टेड ऑफ फ्लोरोसिस, जो कि पानी से ही होता है, फ्लोराइड कंटेंट से। कॉलिक डिसेंट्री गंदा पानी पीने से हो जाएगा या स्विमिंग करने से हो जाएगा, और ब्लू बेबी सिंड्रोम भी नाइट्रेट का कंटामिनेटेड वाटर में रहने से होता है। क्लियर? डिजीज वाला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, ये काफी हद तक मैंने आपको समझा दिया है। फिर अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी लंबा होने वाला है, क्यों होने वाला है वो भी मैं समझाता हूँ। देखो ये बोलता है कि व्हेन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज इनहेबिट इनिशिएटेड इन ए सलाइन इन्वायरमेंट इट इज कॉल्ड एज। ठीक है, यहाँ पे देखो चार नाम दिए हैं, अगर चारों नाम के बारे में आप पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे आंसर बनाओगे। यू शुड नो द डिटेल ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये शामोशिरी, ठीक है, शामोशिरी जो सक्सेशन है इसमें क्या हो रहा है, ये सीरियल कम्युनिटी है एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट बिगेन्स लाइफ ऑन ए न्यूली एक्सपोज्ड कोस्टल सैंड। देखो फिर आया कहानी कि न्यूली होगा, एक्सपोज्ड होगा और ये कोस्टल सैंड में होगा। ठीक
ठीक है, इन शैमोशीडी क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म क्लोजेस्ट टू द सी विल बी पायनियर स्पीसीज और सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज सच एज लिटोरल एल्गी और ग्लास रोट। ठीक है, तो ये न्यूली एक्सपोज्ड कोस्टल सैंड्स में होता है, कोस्टल सैंड्स में, ठीक है, न्यूली एक्सपोज्ड कोस्टल सैंड्स में ये होता है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि सैंड ड्यून का सक्सेशन कैसे है। वेरियस जोन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन अ सेट ऑफ सैंड ड्यून्स व्हिच मे रिप्रेजेंट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ सक्सेशन। ठीक है, पहला जो स्टेज है उसमें एम्ब्रियो ड्यून्स है, जिसमें क्या होता है कि स्मॉल स्कैटर्ड पैचेस ऑफ माराम ग्रासेस व्हिच आर लार्जली सेल्फ स्टेडेड ग्रोइंग फ्रॉम राइजोम व्हिच आर 3 मीटर अलॉन्ग। देखो यहाँ पे छोटे छोटे है, पहला जो सक्सेशन है 3 मीटर अलॉन्ग वाला होता है। फिर क्या होता है कि येल्लो ड्यून्स आता है, येल्लो सैंड ड्यून्स आता है, जिसमें थोड़े बड़े बड़े प्लांट्स भी दिखते हैं। ठीक है, फिर आता है फिक्स्ड ड्यून्स जो कि हिलते नहीं है, तो उन ड्यून्स में भी तुम्हारा एक मराम ग्रासेस का फॉर्मेशन होता है जो कंप्लीट करता है वेजिटेशन एरियाज को। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा ड्यून स्लैक्स, इसमें क्या के एरियाज विच डेवलप वेयर द सैंड बिकम्स इरोडेड। ठीक है, ये इरोडेड सैंड वाला जोन है कौन सा, तुम्हारा ड्यून स्लैक्स जो है। फिर आता है तुम्हारा यहाँ में सेमी फिक्स्ड भी है, थर्ड नंबर में सेमी फिक्स्ड ड्यून भी है जो कि स्मॉल पैचेस दिखाता है बेयर ग्रे स्टिंगी का, और क्लाइमेक्स में तो समझ में आ रहा है कि वेल डेवलप्ड श्रब्स। ठीक है, वेल डेवलप्ड श्रब्स, वुडलैंड वगैरह, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ ये सब अगर दिखने लगे हमारे कोस्टल रीजन्स में तो हम उसको क्लाइमेक्स स्पीसीज बोलते हैं। देखो ये एक्चुअली में फॉर्मेशन हो रहा है कोस्टल सैंड्स पे, इस वजह से इसका नाम शैमोशीरी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, शैमोशीरी सक्सेशन जो होता है वो न्यूली एक्सपोज्ड कोस्टल सैंड्स में उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ओके, तो ये सारे सक्सेशन का स्टेजेस भी याद रख लो अगर तुमको चाहिए कि कौन किस स्टेज में आता है, अगर तुमको पढ़ना है डिटेल में तो इस चीज को भी याद रख लो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है हैलोशीरी, जो कि हमारा आंसर है। देखो सैमोशीरी तो आंसर नहीं होगा क्योंकि सलाइन एनवायरनमेंट की बात नहीं होगी। हैलोशीरी में क्या होता है कि सक्सेशन जो होता है वो सलाइन एनवायरनमेंट में होता है डेफिनेटली, तो हमारा आंसर क्या था, हैलोशीरी था। एन एग्जांपल ऑफ ए हैलोशीरी क्या होता है, सॉल्ट मार्शेस, सॉल्ट मार्शेस जो दिखाता है। ठीक है, इन ए रिवर एस्टुअरी क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट आर डिपोजिटेड बाय इबाइबिंग टाइड्स एंड इनफ्लोइंग रिवर्स। तो यहाँ पे जहाँ पे ये सिल्ट वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट मार्शेस दिखते हैं, ठीक है, एवेपोरेशन हो जाता है जिसके वजह से बहुत सारा सॉल्ट मार्शेस वहां पे दिखता है। ओके, फिर आता है क्या चौथा पॉइंट जो कि हमका लिथोसीरी है। लिथोसीरी क्या है कि लिथोसीरी इज अ प्लांट दैट बिगिंस लाइफ ऑन अ न्यूली एक्सपोज्ड वन लेफ्ट बेयर एज अ रिजल्ट ऑफ ए ग्लेशियर, एक्सपोज्ड रॉक होगा ये। ठीक है, और जो कि हमारा लेफ्ट होता है रिजल्ट ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट, ग्लेशियर रिट्रीट की वजह से अगर ये रुक जाता है। ग्लेशियर रिट्रीट का मीनिंग क्या है समझो, देखो ये पहाड़ है, ये तुम्हारा पहाड़ है, ये ग्लेशियर का वैली है। ओके, पहले क्या था कि ग्लेशियर यहां तक था, मतलब क्या बर्फ का जो आइस आइस होता है ना, ये आइस आइस इस पोजिशन तक था। हाँ भाई, इस पोजिशन तक था। नेक्स्ट स्टेज में क्या हो गया कि नेक्स्ट स्टेज में ये तुम्हारा वही रहा बट ग्लेशियर यहां पहुंच गया है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं रिट्रीट। रिट्रीट का मीनिंग होता है कि ग्लेशियर जो है वो रिसीड कर गया है, पीछे चला गया है, ग्लेशियर रिट्रीट कर गया है, पीछे चला गया है। तो जब पीछे चला जाएगा तो यहाँ पे उसके नीचे का जो रॉक होगा छोटा छोटा वो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, वो एक्सपोज हो जाएगा, तो उसी रॉक पे अगर तुम्हारा किसी एक लाइकेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है या छोटे छोटे तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लिथोसीरी बोलते हैं, लिथोसीरी, लिथोसीरी इसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बीच साइड में इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से भी दिस कुड बी पॉसिबल, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं बीच साइड में, तो उस वजह से भी न्यूली एक्सप्लोज्ड जो रॉक होते हैं टेक्टोनिक अपलिफ्ट की वजह से आते हैं उसमें भी ये चीज फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसका आप देख सकते हो, पहले बेयर रॉक बनता है,
फिर लाइकेंस बनता है, फिर स्मॉल प्लांट्स बनते हैं, फिर परमानेंट ग्रास बनता है, फिर ट्रीज, फिर तुम्हारा बड़े बड़े ट्रीज, ये सब बनने की कोशिश होती है। तो लिथोसिरी के भी तुमको स्टेजेस ऑफ सक्सेशन याद कर लेने चाहिए, तुम्हारे लिए ही वो मददगार होगा। देखो आंसर तो हमारा हेलोसिरी ही था। ओके आगे चलते हैं हम। देखो ये लिथोसिरी फिर से दिया है यहाँ पे। देखो फिर बात करते हैं हमारा जेरोसिरी का। तो जेरोसिरी में क्या होता है, जेरोसिरी की अगर उसने बात की तो जेरोसिरी हमारा हो रहा है प्लांट सक्सेशन दैट इज लिमिटेड बाय वाटर अवेलेबिलिटी। तो वाटर अवेलेबिलिटी के वजह से, लिमिटेड होने की वजह से अगर प्लांट सक्सेशन बन रहा है तो हम उसको जेरोसिरी बोलते हैं। तो इट इंक्लूड्स द डिफरेंट स्टेजेस इन ए जिराक सक्सेशन। मतलब क्या है, जिराक सक्सेशन किस इकोलॉजिकल कम्युनिटी को दिखाता है, जो कि ड्राई कंडीशंस में पैदा होते हैं, डेजर्ट एरिया मेनली। ठीक है, तो सबसे सैंड डेजर्ट्स, सैंड ड्यून्स, सॉल्ट डेजर्ट्स, रॉक डेजर्ट्स एटसेट्रा। आया समझ? तो इसका पाइनी स्टेज में देखो पहले बेयर रॉक है, फिर वही लाइकेंस का फॉर्मेशन, फिर स्मॉल एनुअल प्लांट्स बनेंगे, फिर पेरिनियल हर्ब्स बनेगा, इस तरीके से हर्ब्स दिखता है, फिर क्या होता है ग्रास और श्रब्स बन जाते हैं, और फिर शेड टॉलरेंट ट्रीज बनते हैं। ठीक है, ये सब भी तुमको दिखता है, बट जेरो सीरी जो है वो तुम्हारा ड्राई कंडीशंस में पैदा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअली में हेलो सीरी था, क्योंकि स्पेसिफिकली उसने सलाइन एनवायरमेंट मेंशन किया था, इसलिए इसका आंसर हेलो सीरी था। शैमोशीरी सैंड ड्यून्स था, लिथोसिरी तो तुम्हारा जो न्यूली एक्सपोज्ड रॉक है आफ्टर ग्लेशियर रिट्रीट या तो वॉल्केनिक इरप्शन, उससे फॉर्मेशन होता है लिथोसिरी, और जेरोसिरी जो है वो तुम्हारा ड्राई 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 कंडीशंस में होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आया समझ में? तो बाकी जो आंसर था वो हेलोसिरी था, कंफर्म। चलो आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर आस्किंग अर्थवर्म्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर बोरोइंग हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। फॉलोइंग अर्थवर्म्स मेक ए वर्टिकल और परमानेंट बुरोज इन ए सब सरफेस सॉइल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसने पूछा है, तो इसमें क्या क्वेश्चन होना चाहिए। देखो पहला जो बोला है उसने, इसमें क्या उसने पूछा है कि एपीजेइक अर्थवर्म्स। ठीक है, एपीजेइक अर्थवर्म्स के बारे में पूछा है। तो एपीजेइक अर्थवर्म्स क्या होते हैं, एपीजेइक अर्थवर्म्स होते हैं लिटिल ड्वेलर्स, मतलब ऊपर ऊपर सरफेस में घूमने वाले फीडर्स होते हैं, ऐसे ही टूटे फूटे गैसेस में फीड करते हैं। ठीक है, पिगमेंटेड स्क्रीन होता है, स्किन होता है इनका, ये बुरो नहीं करते हैं, मतलब अंदर छेद करके नहीं जाते हैं, और स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, ये उनकी खासियत है। तो एपीजेइक जो हो है ये सरफेस वाले हैं, एपीजेइक जो है ये सरफेस वाले हैं, सरफेस 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 वाले अर्थवर्म्स हैं। ओके, ये सरफेस वाले अर्थवर्म्स हैं। बट अगर मैं बात करूं उसके बाद वाला, उसने बोला है क्या एक्निक। ठीक है, एक्निक नहीं है, वो एनिक है, एनिक। एक्चुअली वो स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एक्चुअल में एनिक है। ठीक है, एनिक, तो एनिक जो वाला है तुम्हारा अर्थवर्म, वो क्या होता है कि वो फ्रेश लिटर फीडर होता है, सेल ड्वेलर होता है, पिगमेंटेड स्किन इसका होता है, और ये डीप डीप, देखो ये है बहुत अंदर, वो डीप डिग करता है, इतना बड़ा होता है, डिग करता है, और अनब्रांचिंग ब्रोज होता है इसके अंदर में। ठीक है, इसका ब्रांचिंग नहीं होता है, ऐसे ही ये चल के जाता है। ठीक है, और लार्ज साइज होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पूछा था कि वर्टिकल जो बनाता है और परमानेंट ब्रोज बनाता है, पहली बात तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये जो ब्रोज ये इसने गड्ढा बनाया है, ये परमानेंट हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है और गड्ढा इसने बहुत बड़ा बनाया है, तो इस वजह से ये क्या एनिक अर्थवर्म जो होगा, और वर्टिकल भी है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, एनिक अर्थवर्म ही होगा। ठीक है, एंडोजोइक की अगर मैं बात करूं, देखो एपी एपीजेइक तो होगा नहीं, एनिक हुआ क्या, डीप बुरो कर रहा है, वर्टिकल कर रहा है, एनिक एक जो है वो डीप कर रहा है और वर्टिकल बुरोज बना रहा है, वर्टिकल बुरोज बना रहा है। ओके, फिर अगर हम बात करें एंडोजोइक की, एंडोजोइक की, तो एंडोजोइक क्या होता है कि ये सॉइल फीडर होता है, मिनरल और सॉइल में ड्वेलर करता है,
इसका कोई पिगमेंटेशन नहीं होता है, क्रिएट्स नेटवर्क ऑफ हॉरिजेंटल ब्रांचिंग, ये हॉरिजेंटल करता है, वर्टिकल नहीं करता है, ठीक है, और स्मॉल टू मीडियम साइज होता है। तो एंटोजोइक जो है वो हॉरिजेंटल करता है, हॉरिजेंटल पुरोज करता है, ठीक है। दिस इज लार्ज इन साइज, दिस इज स्मॉल इन साइज, और ये तुम्हारा मीडियम है। एक और भी है एपीएंडोजोइक। तो एपीएंडोजोइक क्या आता है कि ये जस्ट बिनीथ द लिटर मिलता है, जस्ट बिनीथ द लिटर मिलता है। तो आपका आंसर जो ये तीन था, तो आपको बेसिकली ये तीन पढ़ना है, ठीक है। एंडोजोइक जो है वो आपका आंसर नहीं है, तो एंडोजोइक अभी आपका आंसर नहीं है, और पेजोजोइक तो होगा ही नहीं क्योंकि एनिक ऑलरेडी हमारे पास आंसर आ चुका है। तो डेफिनेटली ये वाला जो अर्थवर्म का सेक्शन है, आई थिंक आपको इस फिगर से मैंने क्लियर कर दिया है। देखो ये जो इन अर्थवर्म्स इन इकोसिस्टम्स के बारे में जिन्होंने पढ़ाया है, उनका नाम है रिक कोलैथ, उनके बुक से लिया गया है। तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि उनके बुक से ये चीज लिया गया है, तो आई थिंक ये जो फिगर है ये आपको काफी हद तक डिटेलिंग दे रहा है, आपको आगे और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये फिगर ही आपको बहुत कुछ समझा देगा। जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे आप उसी से बना लोगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एज पर द हायरार्की ऑफ ए वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये उसने पूछा है। देखो पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो दिया है द डिस्पोजल इन ए लैंडफिल, ठीक है, ये सबसे लास्ट में आना ही चाहिए, दिस शुड बी द लास्ट वन। क्योंकि कुछ कोई चीज अगर खत्म हो जाता है तभी हम उसको डिस्पोज करते हैं, उसके आगे हम उसको और रीयूज नहीं करते हैं। लास्ट जो टर्म होता है वो डिस्पोजल का होता है, डिस्पोजल मीनिंग है ही है कि उसमें लास्ट खत्म है, सब चीज खत्म है, फिर उसको डिस्पोज कर दिया गया है, कन्फर्म। तो अगर किसी चीज को डिस्पोजल में डाला जा रहा है तो इसका मीनिंग है कि उसका जिंदगी नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है वो, ठीक है। तो इस वजह से जो पहला ऑप्शन है वो तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें डी दिया है, तो दिस विल नॉट बी द आंसर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में ए लास्ट में है तो ये भी आंसर हो सकता है, थर्ड में है तो ये भी आंसर हो सकता है, फोर्थ में यहाँ में है तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर आपके पास कोई वेस्ट है आप क्या करोगे उसको, आप सबसे पहले क्या करोगे उसको, आप सबसे पहले रियूज करने की कोशिश करोगे। अगर वो रियूज हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है ना, तो उसको आप रियूज करने की कोशिश करोगे सबसे पहले, कोई भी वेस्ट अगर आपके पास है। तो आंसर यहाँ पे क्या दिया है, फोर्थ में सी दिया है पहले टर्म, तो सी तो आंसर होगा नहीं, यहाँ पे डी दिया था इस वजह से ये आंसर नहीं था, और यहाँ पे ये सी पहले दिया तो वो तो आंसर होगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन हमेशा बी होगा, तो बचता क्या है, थर्ड एंड सेकेंड ऑप्शन, ये और ये ऑप्शन बचता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला ऑप्शन बचता है। अब इन दोनों में से कौन आंसर होगा ये जानने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वन तो रीयूज होगा ही होगा, वन विल बी द रीयूज, और लास्ट वन जो है वो तुम्हारा डिस्पोजल होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट और रिसाइकल की बात आती है। देखो रीयूज करने के बाद आप करोगे क्या, रीयूज करने के बाद भी उसकी खत्म हो जाएगा लाइफ, आप क्या करोगे कि फिर उसको रिसाइकल करने की कोशिश करोगे, रिसाइकल करके फिर क्या करोगे, ट्रीटमेंट करोगे, रिसाइकल करते टाइम क्या करोगे, ट्रीटमेंट करोगे, बात यहां आता है। तो आपका आंसर जो था ऑब्वियसली वो डी होगा सेकंड में, और थर्ड में आपका आएगा क्या, ठीक है। तो इस वजह से आंसर आपका ये था, ये भी क्लियर है आई थिंक। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है जो कि आपको समझना चाहिए था। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा द बुक आवर कॉमन फ्यूचर इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके देखो आवर कॉमन फ्यूचर जो है ये डायलॉग है, डायलॉग है कहां से, ये क्या हुआ था कि जब ब्रुंटलैंड कमीशन था, फॉर्मरली कॉल्ड एज वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वाज ए सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट एम द यूनाइट कंट्रीज इन अ परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट पे ही ये आवर कॉमन फ्यूचर बना है। इसका आंसर सिंपली कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पहला वाला तो आंसर होगा ही नहीं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होगा ही नहीं, गाय गाय हाइपोथेसिस भी नहीं होगा, ठीक है। इट वाज फाउंडेड इन 1983 व्हेन ज़ेबियर पेर डी क्विलिबर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अपॉइंटेड ए ग्रो हार्लेम ब्रुंटलैंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे एज चेयरपर्सन ऑफ कमीशन।
ब्रूटलेट वाज चूजन टू बी अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन द साइंस एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो ब्रूटलेट कमीशन ऑफिशियली डिसॉल्व इन 1987 आफ्टर रिलीजिंग द आवर कॉमन फ्यूचर एज ए नोन एज ब्रूटलेट रिपोर्ट। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर जो था वो ब्रूटलेट रिपोर्ट को दर्शाता है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट पॉपुलराइज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वॉन द ग्रामवेयर अवार्ड इन 1991। इन 1988 द सेंटर फॉर आवर कॉमन फ्यूचर रिप्लेस्ड द कमीशन। इसमें ज्यादा गुजारने की जरूरत नहीं, ये जो बुक है ये कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझते हो कि अपना नीड एज वेल एज फ्यूचर के नीड को देखते हुए हमको रिसोर्स का यूज जो करना होता है उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो आज का लेक्चर में भी आपको जो ये पांच क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, ये मेरे को लगता है कि कुछ हद तक मैंने आपको अच्छे से आपका जो दिमाग की जो बत्ती है वो क्लियर कर दी है। ठीक है, अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो बॉक्स में, एंड मैं तो अभी भी बोलूंगा, सजेशन दूंगा कि आप हमारे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करो जहाँ पे आपको प्रॉपर सॉल्यूशन और डिटेल जो आपको पढ़ना है वो सारी चीजें आपको वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो हूएवर वांट्स दे कैन ज्वाइन आवर रेगुलर क्लासेस इंस्टेड। ओके, इसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्लियर? ओके, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।